नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीरेंद्र आपके मनपसंद YouTube चैनल विक्टोरियस व्यू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बनाएंगे एयर फ्रायर में पिज्जा। इसके लिए जो हमारे जरूरी इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं बताता हूं आपको। इसके लिए चाहिए हमें पिज्जा बेस, मोजरेला चीज, कैप्सिकम एंड ऑनियन कटे हुए चॉप्ड हुए, चीज ब्लेंड या चीज ड्रेसिंग जिसे बोलते हैं वो, मेयोनीज, पिज्जा सॉस, ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स हमें चाहिए होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पिज्जा सॉस लेंगे और पिज्जा सॉस को हम इस पर डालेंगे। और इसे स्प्रेड करेंगे चारों तरफ। अच्छी तरह से स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। इसके बाद हम डालेंगे थोड़ा बहुत मेयोनीज। इसे भी हम स्प्रेड कर देंगे चारों तरफ। इसमें हम कुछ छोटे छोटे डॉट्स कर देंगे स्पॉट, जिससे इसमें आराम से ऑब्जर्व हो जाए। अब हम देंगे थोड़ा चीज ब्लेंड और उसे हम इसके चारों ओर इस तरह से लगा देंगे। अब लेंगे हम थोड़ा कैप्सिकम एंड ऑनियन। चारों तरफ फैला देंगे हर कोने तक। ये देखिए फैल गया। अब हम देंगे मोजरेला चीज। मोजरेला चीज डालेंगे हम इसमें। फैलाएंगे चारों तरफ ठीक तरीके से। अब हम डालेंगे इसे एयर फ्रायर में, जो कि मैंने पहले से प्री हीट किया हुआ है। एक मिनट के लिए पहले से इसे प्री हीट किया हुआ है। ये मैंने उसमें डाला है, इसको पूरे ध्यान से देखिए। इसे एयर फ्रायर में डालेंगे हम मशीन में। इसे हम करेंगे 7 से 8 मिनट तक के लिए और टेम्परेचर होगा इसका 180 डिग्री। ये स्टार्ट हो गया आपका। बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे। 7 से 8 मिनट में आपका यम्मी पिज्जा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। ये देखिए हमारा यम्मी पिज्जा तैयार हो चुका है। इसे पैकिंग के लिए डालेंगे। बड़े आराम से तीजे से निकालेंगे इसे बाहर। ये डाला हमने इसे, ये इसे
कट किया, देखिए कितना टेस्टी और यम्मी दिखाई दे रहा है ये, देख कर इसे खाने का मन कर रहा है। इस पर हम थोड़ा ओरिगैनो चिली फ्लेक्स वगैरह डालेंगे, ये देखिए बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। देखिए दोस्तों कैसा लगा आपको ये हमारा पिज़्ज़ा। अब मेरा आपसे सभी से निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सभी लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।